أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين صدق الله العظيم. बुज़ुर्ग और दोस्तों, सूरह हज से मैंने आयत नंबर 11 की तिलावत की है। कल हमने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस शख्सियत की तस्वीर पेश की जो खुदा को बहैसियत दर्द की दवा के इस्तेमाल करते हैं। फ़ायदा पहुंचा तो खुदा की तरफ, और अगर नुकसान हो तो वावेला मचाती हैं। उसकी तस्वीर मैंने कल पेश की कुरान के हवाले से। आज इंसानी शख्सियत का एक और तारुफ़ कुरान करता है, वो है बाज़ लोग दीन को दुनिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कल मैंने बताया कि खुदा को दर्द की दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह बाज़ लोग दीन को सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि उस पर चढ़कर दुनिया की कामयाबियाँ हासिल करें। गोया उनका दीनदार रहना वो दुनियादारी के लिए है, वो दीनदारी के लिए नहीं है। इसका तारुफ़ भी अल्लाह तबारक व तआला ने एक नहीं, दो नहीं, कई जगह कुरान मजीद में करवाया है। सूरह हज की ये आयत बताती है कि अल्लाह तबारक व तआला अर्ज़ करता है, वमिनन्नासि मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ। लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं, कोई शख्स ऐसा भी है जो किनारे पर खड़े होकर अल्लाह ताला की इबादत करता है। फ़इन असाबहु खैरुन इत्मअन्न बिह, और अगर उसे खैर मिले, फ़ायदा मिले उस इबादत से तो मुतमईन होता है, खुश होता है उसकी दीनदारी पर। वइन असाबतहु फितनतुन इन्क़लब अला वजहिह, और अगर उसे कोई मुसीबत पेश आ जाए, कोई तकलीफ़ हो जाए, तो वो औंधे मुँह गिर जाता है, वो औंधे पलट जाता है, उल्टे पांव फिर जाता है। अब उसके लिए दीनदारी कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं रह जाती। खसरत दुनिया वल आखिरा, दुनिया का भी खसारा उस शख्स ने उठाया, आखिरत के भी खसारा उसने उठाया। दालिका हुल खुसरानुल मुबीन, और ये बहुत ही बड़ा घाटा है, बहुत बड़ा नुकसान है कि आदमी दुनिया में भी घाटा उठाए और आखिरत में भी घाटा उठाए। ये एक आयत है। इसी तरह की एक आयत कुरान मजीद में सूरह अनकबूत में भी आई है, उस आयत को भी मैं तिलावत करके उसका तर्जुमा रखता हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह इस पर बात करूँगा। सूरह अनकबूत में आयत नंबर 10 में कहा गया, वमिनन्नासि मन यकूलु आमन्ना बिल्लाह, लोगों में से कोई फ़र्द ऐसा भी है जो कहता है कि मैं अल्लाह पर ईमान ले आया। फ़इज़ा उज़िया फ़िल्लाहि जअला फ़ितनतन्नासि का अदाबिल्लाह, और खुदा के रास्ते में चलने के नतीजे में अगर उसे कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, कोई घाटा होता है, कोई नुकसान उसे उठाना पड़ता है, तो उस नुकसान को जो लोगों की तरफ से उसे मिला है वो खुदा की तरफ से अजाब के बराबर समझता है। हालांकि दुनिया की जो तकलीफ़ है वो खुदा के अजाब के बराबर नहीं है। और उसके बाद कहा, वलन जा नसरुम मिन रब्बिक, और अगर उसे खुदा की तरफ से कोई मदद मिल जाए, ला यकूलुन्ना इन्ना कुन्ना माकुम, फौरन कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, मैं तो तुम्हारी समाज का आदमी हूँ, मैं तो तुम्हारी जमात का आदमी हूँ, अरे मैं तो तुम्हारी मस्जिद का मुसल्ली हूँ। ये सब चीज़ें आदमी अपना तारुफ कराता है, मैं तुम में से हूँ। जब उसे फ़ायदा होता है तो अपने आप को वो मुसलमानों की सफ़ में शुमार करता है, दीनदारों की सफ़ में शुमार करता है। अवलाइसल्लाहु बिआलमी बिमा फी सुदूरिल आलमीन, क्या ये बात नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला जानता है जो कुछ दुनिया वालों के दिलों में है। तुम्हारे दिल में नहीं कहा, देखिए एक फ़र्द का किस्सा सुनाया, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा बिमा फी सुदूरिल आलमीन, आलम वालों के दिलों में जो कुछ है वो अल्लाह ताला जानता है। क्या ये वाकया नहीं कि अल्लाह ताला दिलों के हाल से वाकिफ़ है कि आदमी क्यों दीनदार बना हुआ है? दीनदार जो कुछ बना है उसके पीछे दुनियादारी असल में मकसूद है, ये अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है। इसी तरह की एक आयत सूरह निसा के अंदर भी आई है। अब तफसील में उन आयतों में नहीं जाएंगे, सिर्फ इस आयत में जो शख्सियत पेश की गई है, जो तस्वीर आई है, मैं उसे आपके सामने पेश करता हूँ। पहली बात तो यह है कि ये वो लोग हैं जो दीनदार बनते हैं लेकिन हकीकत में दुनिया परस्त होते हैं। ये दीन की हकीकत से और दीन के फ़लसफ़े से नाआशना लोग हैं, ये नहीं जानते कि दीन क्या चीज़ है। दीन दरअसल खुदा से वफादारी और रसूल की ताबेदारी का नाम है। यहाँ इनके नज़दीक दीन अपने ख्वाहिशात की ताबेदारी का नाम है। अपने ख्वाहिशात और अपने मफाद का फ़ायदा होता है तो वो दीनदार बनते हैं, और उससे नुकसान होता है तो दीनदारी छोड़ देते हैं। कुरान ने बताया कि दीनदार लोग होते हैं जो खुदा के वफादार होते हैं और रसूल के ताबेदार होते हैं। ये हकीकत दीन से ना आशना लोग हैं, नंबर एक। इसी में आप देख सकते हैं
कि ये वो लोग हैं जो दीन की खातिर दुनिया का कोई ख़तरा मोल नहीं लेना चाहते। दीन पर चलेंगे लेकिन कोई ख़तरा मोल लेना हो तो उसके लिए वो तैयार नहीं होंगे। मान लीजिए कि कोई आदमी तिजारत करता है, फलां करता है, और उसे सूदी लेन देन करना पड़े तो दीन का हवाला भी दें तो नहीं मानेगा, कहेगा कि आज के ज़माने में इसके बगैर तिजारत कैसे हो सकती है। बाज़ ऑफिसर्स होंगे जो रिश्वत भी लेंगे और कहेंगे कि सब इसके बगैर चाराकार नहीं है, तो वहाँ उनके लिए दीन नुकसान का बाइस होता है, इसलिए वो दीनदार नहीं बनते हैं। वहाँ उनका दुनिया का फ़ायदा है। मसलियत कोश लोग होते हैं और मसलियत की खातिर वो दीन को इख्तियार करते हैं। मनफियत और मसलियत परस्त लोग और नफ्स के बंदे लोग होते हैं जो इस तरह से करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये शख्स, इसकी वफ़ादारी दीन के सिलसिले में यकीनी नहीं है। अगर वह दीनदार भी बनता है, क्योंकि दुनिया उसके पीछे पोशीदा है, तो इसलिए उसकी वफ़ादारी यकीनी नहीं है। हमने देखा कि बाज़ दफ़े मुसलमानों में से बाज़ लोगों ने उन पार्टियों को भी खुलकर हिमायत की जो इस्लाम दुश्मन और मुस्लिम दुश्मन है। ये मालूम है हम लोगों को वाकिफियत, उसके बावजूद बाज़ लोग खुलकर हिमायत इसलिए करते हैं कि बाद में पता चला कि साहब उनके मदरसे का एक बहुत बहुत बड़ी ज़मीन का मसला पुराना चला आ रहा था, उससे वहाँ के MLA ने, वहाँ के ज़िम्मेदार ने उस मसले को हल कर दिया, उनका पट्टा पक्का हो गया, उनके डॉक्यूमेंट सही हो गए। अब यह कि साहब वो उनकी तरफदारी करेंगे और कहेंगे कि मुसलमानों के इसके बगैर चारा नहीं है कि उनके साथ दोस्ती की जाए, उनके साथ मसलियत की जाए, उनके साथ शेयर किया जाए, इसके बगैर हमारे लिए मुस्तकबिल जो है ताबनाक नहीं है। इन सब की बातें वो फ़लसफ़ा बयान करेंगे, लेकिन हकीकत में पीछे अपना दुनियावी मफाद उनका चूँकि सीधा हो चुका है, दुरुस्त हो चुका है, इसलिए इस तरह की बातें करते हुए नज़र आते हैं। तो बाज़ लोगों की दीनदारी के पीछे दुनियादारी होती है, ये कुरान मजीद हमको बताता है। ईसाइयत बहुत से लोग कबूल करते हैं, आप देखें उनके नज़दीक ईसाइयत का मफहूम भी उन्हें नहीं मालूम है, फ़लसफ़ा या मज़हब भी उनको नहीं मालूम है, और ईसाइयत की बुनियादी तालीमात भी उनको नहीं मालूम है। बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं कि किसी को जॉब मिल गया, किसी को जो है नौकरी पर लगा दिया, और किसी को टीचर का जॉब मिल गया, किसी को 10,000 रुपये मिल गए, ये सब होता है। देने और दिलाने के नतीजे में लोग जो है मज़हब बदल लेते हैं, ऐसा दुनिया में होता है। तो कुरान बताता है कि ये सब लोग जो है अल्लाह ताला की इबादत किनारे पर खड़े रह कर करते हैं, वो बीच में खड़े कर होकर नहीं करते। सैयद कुतुब शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, उनकी एक किताब है अत-तस्वीर फ़न्नी फ़िल कुरान, कुरान के फ़न्नी मुहासिन। वो कहते हैं कि मैं छोटा बच्चा था और मैं दूध पीता बच्चा था, बॉटल में वगैरह लेकर बैठकर माँ हमारी कुरान पढ़ती थी, मैं माँ के गोद में बैठता था, माँ जब कुरान पढ़ती थी तो मैं तो कुरान मजीद के मफाहिम को नहीं समझता था, लेकिन इस आयत को, वो कहते हैं कि ये मेरे जहन की तस्वीर है, ये मेरे जहन में ये नक्श है ये आयत। कहते हैं कि मेरी माँ जब इन आयतों को पढ़ती थी, खासकर इस आयत को, तो कहते थे कि मेरे जहन में एक आदमी आता था, एक तसव्वुर में एक जहन में एक आदमी आता था। मेरा घर जहाँ था मिस्र में थे, वो मिस्र के करीब, मेरे घर के करीब में एक नदी थी, नदी के पास रेत के तोदे थे, मिट्टी के जो होते हैं ना पहाड़ की तरह, पहाड़ तो नहीं होते, चट्टान तो नहीं होते, लेकिन रेत के और मिट्टी के तोदे होते हैं, और वो तोदे बड़े नहीं होते, एक आदमी खड़ नहीं सकता, किनारे पर खड़ा हो सकता है। तो मुझे यूँ लगता था कि एक आदमी नमाज़ पढ़ रहा है उस नदी के किनारे रेत के तोदे पर खड़े होकर, वो पूरी तरह से खड़ा हो नहीं पा रहा है, और लगता है कि अब लुढ़क जाए कि तब लुढ़क जाए। ये मेरे जहन में कुरान की ये तस्वीर थी। वो कहते हैं कि इसी चीज़ ने मुझे डेवलप किया इस किताब को लिखने के लिए। उस किताब के पीछे वो लिखते हैं कि इस आयत ने मेरे जहन में नक्श पैदा कर दिया कि कुरान की आयतें ऐसी हैं कि इंसानों के सामने लोगों की जो नफ्सियाती कैफियत है उसे तस्वीर की शक्ल में कुरान पेश करता है, उसे मुजस्सम बनाकर पेश करता है, उसे पर्सोनीफाई कर देता है। यानी तो ये नफ्सियाती कैफियत है ना कि एक आदमी दीनदार बना हुआ है, दीन का ढोंग रचाता है, लेकिन हकीकत में है दुनिया परस्त, लेकिन कुरान ने उसकी तस्वीर कैसे पेश की कि एक छोटा बच्चा भी समझ लेता है कि एक आदमी नदी के किनारे खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है और खड़ा नहीं हो पा रहा है, और लगता है कि अब लुढ़क जाए कि तब लुढ़क जाए। यही इस तरह के दुनियादार लोग होते हैं जिनकी दीनदारी मालूम होता है, जो आदमी हकीकत शनास से वो पहचान लेता है कि इसकी जो दीनदारी है, दीन का जो ढोंग है, वो हकीकत में दीन से सदाकत, दीन से मोहब्बत, दीन से वफादारी की बुनियाद पर नहीं बल्कि किसी और बुनियाद पर है। आप देखे होंगे समाज में होता ऐसा है कि जब घर में बेटी की शादी का मौका आता है, रिश्तेदार जमा होकर बात करते हैं, तो बाप भी एक हदीस सुनाएगा सीधी सादी शादी करने के सिलसिले में, और लड़की का भाई भी एक लुकमा देगा, एक और हदीस भी सुनाएगा जिसमें बताएगा कि लड़की का रंग वगैरह को नहीं देखना चाहिए, और अल्लाह के रसूल ने सब बातें कही। तो बड़ी दीनदारी की बातें होंगी, सादा शादी की बातें होंगी, शरीयत पर चलने की बातें होंगी, और उसी घर में देखते ही हम कि जब बेटे की शादी आती है तो कहते हैं साहब हम लोग फ़कीर फतू थोड़ी हैं, हमारा भी तो एक मैार है, हम भी तो ऊंचे ख़ानदान के लोग हैं, हमारा बच्चा भी तो बहुत मेहनतों से पढ़ा हुआ आदमी है। अब वो सारी हदीस की बातें, दीनदारी की बातें रफू चक्कर हो जाती हैं, ये खुद हम अपने समाज में देखते हैं। तो जब लड़की की शादी के दौरान जो अहादीस उन्होंने कोट किए थे वो दीनदारी की बुनियाद पर नहीं थी, वो दुनियादारी के लिए थी कि साहब शादी आसानी से हो जाए, बेटी आसानी से उठ जाए।
एक साहब मुझसे आए, सलाम ज़ोरदार किया उन्होंने और बहुत गर्म जोशी से मुलाकात वुलाकात की और कहा कि अमीन साहब आपकी किताबों का मैं बड़ा शायक हूँ, मैं बहुत फ़ैन हूँ, जरा आप बताइए आपकी जो किताबें। फिर उन्होंने एक चिट्ठी निकाली, फ़ौरन पेंसिल लिख लिया 6-7 किताबें, कहा कि ये कहाँ मिलती है, मैं लेकर पढ़ना चाहता हूँ वगैरह। मुझे माथा ठनका, मैं समझ लेता हूँ कि सब दाल में कुछ काला है। 2 दिन के बाद उनका फ़ोन आया कि मीन साहब आप फलां जगह जो है मेरा तारुफ करा दीजिए, मेरा बिज़नेस का एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। यानी अगर वो हो जाता तो कम से कम 2-4 लाख रुपए का आसानी से फ़ायदा हो जाता था। तो अंदाज़ा हो जाता है कि जब आदमी आपसे वफादारी का, मोहब्बत का, दीनदारी का इजहार करता है तो उसके पीछे अगर दुनियादारी है तो उसकी अदाओं से आदमी पहचान सकता है मुखलिस कौन है और कौन है जो मफाद परस्त है और कौन है जो खाम सीरत कच्चे सीरत का आदमी है, वह अंदाज़ा हो जाता है। तो मालूम होता है कि ये सब जो है दीन की जो दीनदारी के नाम पर दुनियादारी हो, कुरान इसकी मजम्मत करता है इन शख्सियतों का तारुफ। देखिए कुरान ने नाम नहीं लिया, ऐसे बहुत से लोग थे होंगे अल्लाह के रसूल के ज़माने में, नाम नहीं लेता है, कहता है कि क्या तुमने देखा उस आदमी को भी जो किनारे पर खड़े होकर इबादत करता है और अगर उसे कोई दुनिया का फ़ायदा पहुँचता है तो वो मुतमईन हो जाता है और उसे कोई मुसीबत आती है तो पलट कर चला जाता है। बहुत क्लियर तस्वीर है, नाम नहीं है सिर्फ, लेकिन किरदार तो कुरान ने बहुत साफ तौर पर कहा। जो अल्लाह के रसूल के ज़माने में बहुत से लोग ऐसे थे, सूरह निसा में है कि जंगों के दौरान करते ये थे कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे अल्लाह के रसूल की मजलिस में और कहते थे साहब हम लोगों को ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, काफिरों को ऐसे मारना चाहिए, मक्के के लोगों को यूँ कर देना चाहिए, सब बातें करेंगे। जिस दिन जिहाद का ऐलान हो जाएगा एक एक आदमी अलग से जो दबक कर निकल जाएगा, कहेगा कि साहब मेरी बीवी बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है, मेरे खजूर के पकने का वक्त है, इस तरह से निकल जाएंगे। अब यह है कि जब काफिरों को गलबा मिले तो कहेंगे देखिए इसीलिए मुसलमानों के सफ़ों में नहीं थे, हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारे साथ हमारी लड़ाई हो, हमारी तो पुरानी दोस्ती है तुम्हारे से, कुफार मुशरिकीन के साथ जाकर यह कहते थे अगर कुफार जीत जाए, और अगर मुसलमान जीत जाए तो कहते थे देखिए हम तो उस मजलिस में थे ना जिसमें स्ट्रैटेजी बन रही थी, जिसमें प्लान बन रहा था, हम तो उसमें शरीक थे, हमने तो ये सब मशवरे दिए थे। तो वो दोनों तरफ से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन आयतों के जरिए से वाकिफ कराया गया कि आपके सफ़ों में बाज़ इस तरह के लोग भी होते हैं। ये शख्सियतों का तारुफ कुरान बहुत ही जामे अंदाज से और पुरअसरार अंदाज से कराता है, वाज़े तौर पर नहीं कराता लेकिन बता देता है कि बाज़ लोगों का रवैया कैसे होता है। अब आप देखिए कि इस वक्त अमेरिका का भी रवैया, इख्वानुल मुस्लिमून जो मिस्र में इस वक्त बरसर इख्तदार आई है, या इसी तरह की जो इस्लामिक पार्टी टूनिशिया वगैरह में बरसर इख्तदार आई है, कल तक इन पर ठप्पा था कि ये दहशतगर्द हैं और दुनिया में दहशतगर्दी जो कुछ फैली है वो सैयद कुतुब शहीद रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की बनिस्बत की वजह से है, ये सब आर्टिकल्स लिखते रहे, सब बातें करते रहे। लेकिन अब मिस्र में जब इख्तदार के करीब आए तब वो कहने लगे कि साहब ये मॉडरेट इस्लामिस्ट हैं, ये इतदाल पसंद इस्लाम पसंद लोग हैं और इनके साथ हमको जो है दोस्ती रखनी चाहिए और तिजारत मईशत और सियासत के मामलों को तय करना चाहिए, खुल्लम खुल्ला कहते हैं। इस पर काफ़ी आर्टिकल BBC के ब्लॉग में भी आया कि कल तक इनको दहशतगर्द, एक्सट्रीमिस्ट, फंडामेंटलिस्ट ये सब कहा जाता था, लेकिन ना आज वो फंडामेंटलिस्ट हैं, ना आज एक्सट्रीमिस्ट हैं, ना टेररिस्ट हैं, ना कुछ हैं, बल्कि मॉडरेट इस्लामिस्ट हो जाते हैं। ये है दरअसल लोग किनारे पर खड़े रहते हैं, इधर भी फ़ायदा उधर भी फ़ायदा पा सकें, इस तरह की शख्सियतों का कुरान ने तारुफ करवाया है। आखिर में कुरान मजीद बताता है कि इस तरह की शख्सियतों से निकलने का तरीक़ा क्या है। मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इला हाउलाई वला इला हाउलाई, ये कैरेक्टर जो है तज़ब्ज़ुब वाला कैरेक्टर है, अनसर्टन कैरेक्टर है, कभी इधर कभी उधर। मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक, दोनों के बीच में ये तज़ब्ज़ुब में है, अनसर्टन है। ला इला हाउलाई, ना पूरे इधर है ना पूरे इधर है, वला इला हाउलाई। उसके बाद आगे कुरान मजीद ने बताया के इल्लल्लज़ीन ताबू व असलहू व अतसमु बिल्लाहि व अखलसू दीनहुम लिल्लाहि फौलाइका मअल मुमिनीन व सौफ युतिल्लाहुल मुमिनीन अजरन अज़ीमा। कहा कि इससे निकलने का तरीक़ा यह कि आदमी अपना रवैया दुरुस्त करे और ठीक ठीक या तो इधर हो जाए या तो इधर हो जाए, आदमी को आधा तीतर आधा बटर नहीं बनना चाहिए, खुल्लम खुल्ला उसका अपना कन्विक्शन होना चाहिए। जहाँ तक नफ़ा और ज़रर की बात है, बंदे मोमिन को बताया गया कि अल्लाह ताला के हाथ में है तमाम नफ़ा और नुकसान का देना, दुनिया के किसी फ़र्द के हाथ में नहीं है। अल्लाह के रसूल की एक तफसीली हदीस है जिसमें आपने फरमाया या गुलाम इन्नी उअल्लिमुक कलिमात इहफ़िदिल्लाह यहफ़िज़का इहफ़िदिल्लाह तजिदहु तिजाहक। उसके बाद आपने कहा वालम अन्नल उम्मता लबिजतमअत अला अन यनफ़ऊका लन यनफ़ऊका इल्ला बिशैइन, कि अगर पूरी दुनिया मिलकर तुमको कोई फ़ायदा पहुंचाना चाहे तो कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती सिवाय उसके जो अल्लाह ताला ने लिख रखा हो। ऐसे ही कहा आपने कि अगर पूरी दुनिया मिलकर तुम्हारा कोई नुकसान करना चाहे तो आए बेटे याद रखो, इब्ने अब्बास को उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल ने याद रखो कि पूरी दुनिया तुमको नुकसान नहीं पहुँचा सकती सिवाय उसके जितना अल्लाह ताला ने तुम्हारे मुकद्दर में लिख चुका है।
तो ये बात बहुत वाज़े तौर पर मोमिनों के दिल में बिठा दी गई कि नफा व नुकसान किसी ग्रुप के साथ, किसी जमात के साथ, किसी तरफ होने से नफा व नुकसान नहीं है। नफा व नुकसान का मालिक अल्लाह है, जिसे चाहता है नफा देता है, जिसे चाहता है तकलीफ में मुबतला करता है, ये उसकी हिकमत है। और उसके बाद कहा कि वह असली हो, अपना रवैया दुरुस्त करना चाहिए, वह अतसमु बिल्लाह, और अल्लाह ताला से चिमट जाना चाहिए, उससे वाबस्ता होना चाहिए, वह अखलसु दीनहुम लिल्लाह, और अपने दीन को खालिस करना चाहिए अल्लाह ताला के लिए। दीन को दुनियादारी का जरिया बहाना नहीं बनाना चाहिए, दीन को खालिस अल्लाह ताला के लिए करना चाहिए। यही लोग हैं जो मोमिनों के सफ में शुमार किए जा सकते हैं, और यकीनन अल्लाह ताला मोमिनों को अजर अजीम से नवाजेगा। इस पर ये बात ख़त्म होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी दीन को खालिसतन लिवजहिल्लाह इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए, और दीन को दुनिया का जरिया बनाने से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमारे लिए नफा, खैर और भलाई इस दुनिया में भी अता फरमाए और उस दुनिया में भी अता फरमाए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين।